मेरे साथ मौजूद है आरएस राव। भाईजान, जिस किस्म की आप ड्रेसिंग में आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो लड़की का बाप हूँ जिससे आप रिश्ता लेने आए हो यार। इतने हीरो बने हुए आप आरएस भाई, इतने अच्छे लग रहे हैं यार आप, मुझे बुरा लग रहा है ये। नहीं, मैंने जिससे रिश्ता लेने से मैंने ले चुका हूं। ये तो है भाई, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट माशाल्लाह कि आप हंसना मनाए में आए, बहुत कम लोग ये कर पा रहे हैं। अच्छा आरएस, शुरू से शुरू करेंगे टेप बॉल से। जिस तरह के हर तकरीबन हर पाकिस्तानी क्रिकेटर का जो आगाज़ होता है टेप बॉल से होता है, आपने टेप बॉल से क्रिकेट का आगाज़ किया, कैसे आगाज़ हुआ, कैसे पहुंचे? मैंने सुना जो ट्रायल्स देने गए आप पहली बार, उसमें भी कोई ड्रामा हो गया आपके साथ, गलत जगह पहुंच गए थे, टाइम नहीं दे रहे थे आपको, फिर आपने कहा यार एक बार कराने तो दो, क्या था वो कहानी? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। अरे सर, और बाकी ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान में कल्चर यही है कि आप टेप बॉल से स्टार्ट करते हो क्रिकेट। हाँ, बचपन में आपको वही चीज़ें मिलती हैं, आप गली मोहल्ले में, तो वहीं से स्टार्ट की क्रिकेट एज नॉर्मल, जिस तरह पाकिस्तान में हर बच्चा करता है, और फिर वक्त के साथ साथ खेलता गया और फिर ऐसा प्रोफेशनल टेप बॉल शुरू कर दी। और उसके बाद फिर जिस तरह लाहौर के अंदर के ट्रायल्स हुए थे 2017 में, और उसमें जब ट्रायल्स में गया और वहाँ पर जब हम थोड़ा लेट पहुँचे तो उन्होंने गेट वगैरह बंद कर दिए। ट्रायल्स में लेट क्यों पहुँचे आप? मतलब इतना कॉन्फिडेंस था, पिंडी से आ रहा था गुजरावाला पहुँचना था मुझे। ओके, तो अब मैंने कहा, मेरे साथ दो तीन दोस्त और आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं कहीं और गेट ढूंढते हैं, कहीं से हम इंटर हो जाएं, टॉप के चले जाएं। हाँ, वही 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 दिमाग में था, तो हर लड़के के दिमाग में यही है। तो वो पीछे गया तो वहाँ पे गेट था, उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। छोटा ताले क्या हैसियत रखते हैं आपके सामने? मेरे साथ 20-25 लड़के और भी हो चुके थे ना, तो उन्होंने हमने वो थोड़ा उसको झटके झटका दिया, वो टूटा और हम अंदर चले गए। तो बस वहीं से फिर कहानी स्टार्ट, झटकों से स्टार्ट किया आपने क्रिकेट करियर का, बहुत आला। और किसी आज भी ताला तोड़ के दुनिया भाई सेट का यार, ताले सेट कर लो यार। अच्छा खैर, फिर अंदर घुस गए आप? जी, घुस गए। उसके बाद फिर जिस तरह वहाँ पे सारे लाइनों में लगे हुए थे बच्चे, राउंड्स होते हैं, वो राउंड्स क्लियर करते गए करते गए, और बस फिर फाइनल राउंड था। हाँ, और उसमें वो स्पीड गन चेक करते हैं, तो उसकी बेस पे वो सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम वो 83-84 माइल के जो लड़के बॉल कर रहे थे उनको वो सिलेक्ट करके साइड पे कर रहे थे, और जब मेरा सबसे लास्ट नंबर था तो जब मैंने पहला बॉल किया तो वो 88 माइल पे किया था। वाओ, तो वो सब समझे कि यार शायद स्पीड गन खराब है। अच्छा, आपको पता था इतनी तेज कराते हो? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आपको पता ही नहीं थी? मुझे वहां पे जाके पता चला कि यार मैं इतना तेज बॉल करता हूं। वाओ, झटके लगाए तो पता चला कितना तेज जूम है। तो वो फिर मैंने दूसरा बॉल किया, वो 90 माइल पे किया। वाओ, ताकि मैंने कहा एक और बॉल करो। आखिर भाई ने कहा शायद स्पीड गन ठीक है, बॉलर भी ठीक है, मैं शायद खराब हूँ। आखिर भाई शाम में खराब भी हो जाते हैं ये आपको बेहतर। तो फिर जब तीसरा बॉल किया वो 92.3 माइल पे किया मैंने। होली होली, तो वो बॉल जो मेरी थी वो सिलेक्शन बनी थी। वो सिलेक्शन बन गई, और फिर वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था भाई कि आप वहाँ सेलेक्ट हुए और आज जो है वो हमारे लिए इतनी सारी जीत आप लेकर आए। बस यहीं तक अच्छी बातें करूंगा मैं इंटरव्यू जो स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, ऐसा है, आपने कहा कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक लाहौर कलंदर के लिए खेलता रहूंगा। एक तो बात यह है कि वो भी जब तक सांस चल रही तभी खिलाएंगे आपको, तो और दूसरा मुझे ये बताएं क्यों इतनी मोहब्बत है? क्या उनके पास कोई तस्वीरें हैं आपकी कि आप उनको छोड़ नहीं सकते? होता है ना यार कि यार पता नहीं दिखा दो। देखें, जहां पे आपको प्यार मिलता है वाह, तो आप वहीं पे खेलते हो, वहां उनको कोड़े पड़ रहे हैं बाकी टीम वालों ने। देखिए, मेरा स्टार्ट क्रिकेट का लाहौर के अंदर से हुआ। हाँ, ये तो एहसान है उनका, तो मैं चाहता भी हूँ कि मेरी जो क्रिकेट का एंड हो वो भी लाहौर के अंदर से हो। वक्त के साथ साथ आपकी सेलिब्रेशंस भी चेंज होती रही, मुख्तलिफ स्टाइल्स में आप सेलिब्रेशन करते रहे, हमने उसका भी एक कलाज बनाया हुआ। हाथ क्या दो चीज़ें देख लेते हैं, फिर आगे सवालों का सिलसिला कराएंगे। पर ये दिखाइए आरएस राव किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आउट हो गया, खुद हैरान है ये आउट कैसे हो गया। आगे फिर कुछ विकटें आपने, ये किस किस्म की सेलिब्रेशन थी, ये क्या कर रहे थे आप? दरअसल मैं इस टाइम में बिग बैश खेल रहा था। जी हाँ, और उस टाइम कोविड का थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि लोग तो मैच देखते हैं। हाँ, तो वहाँ के जो लोग थे उनको अवेयरनेस देने के लिए मैंने ऐसी सेलिब्रेशन की कि हैंड सैनिटाइज करो, मास्क पहनते रहो। इल्मी सेलिब्रेशन, बहुत आला भाई। अगली अवेयरनेस देखते हैं आप क्या दे रहे हो। ये किस चीज़ की अवेयरनेस है? बेसिकली इस मैच से पहले हमने एक रात को मूवी देखी थी। अच्छा। नहीं, मैं कुछ नहीं है। ये हम ऐसा लग रहा है नवाज ने भी साथ देखी है। नहीं, नवाज नहीं था, ये शान भाई थे और बाबर भाई थे। हाँ हाँ, तो हमने देखी थी ब्लैक एडम।
फ्लैग एटम, अच्छा समझ गया, ठीक है, उसमें उसने सिंबल था, सिंबल था ये उसका फ्रीडम का था, हाँ तो वैसे ही हमें अच्छा लगा, तो हमने कहा कल मैच में आउट करूंगा तो ये वाला सेलिब्रेट करूंगा, बस ऐसा लगा सबने देखी, इफ्तिखार भाई ने नहीं देखी वो खुश खुश आ रहे हैं अभी भी। अगली तस्वीर भी ऐसा लग रहा है कोई मूवी देख के आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिखाइए भाई। ड्रैकुला देखी आपने? वैसे ये आप मिली कहां से? ये मेरे पास तो नहीं है, ये कुछ वेबसाइट्स पर है जो ऐसे आम पेस बढ़ाने के लिए, मैंने अक्सर देखा शोएब भाई एक बेंचमार्क है, सबसे ज्यादा पेस ही उन्हीं का है, तो लोग उनसे सुनते हो कहते हैं मैं ट्रक खींचे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपका भी सुना आपने अंडे बहुत खाए, तो अंडे खाने से पेस तो बढ़ गया, कुछ और बढ़ा? कहते हैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें तो नहीं बढ़ी? नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ा मेरा, क्योंकि आप एक्सरसाइज इतनी करते होंगे। दरअसल मैं अंडे खाए, अंडे वो उसमें प्रोटीन होती है बेसिकली, जी हाँ, तो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होती है, हाँ, तो इसलिए वो आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, मैं अंडे खाता हूं। एक दिन में कितने अंडे खा लेते? मैं 24 अंडे खाए हुए हैं। 24 अंडे? मुझे आकिब भाई ने प्लान दिया था, वो कहते थे 8 तुमने ब्रेकफास्ट में खाने, 8 तुमने लंच में खाने और 8 तुमने डिनर में खाने। आपको देख के तो मुर्गियां भाग जाती होंगी। मैं आपको लिटरली बताऊं, जब मैं पहली दफा एकेडमी में गया था जी, तो उस रूम में ना वो अंडे की ट्रे लगी हुई थी, तो मुझे ये लगा कि मैं किसी पोल्ट्री फार्म में आ चुका हूँ। ऑफ कोर्स यार, 24 अंडे आप रोज खा रहे हो, वो इतने अंडे रात सुबह बोलते थे तो वो फिर खाने पड़ते थे। 240, 480, 640 अंडे आप महीने के खा रहे हो यार। मेरा सवाल यह है कि जब आपको विराट कोहली ने दूसरा छक्का मारा था वर्ल्ड कप में, हाँ, फाइनल में, तो आपका रिएक्शन उस वक्त क्या था और आपके मुंह से क्या निकला था उस वक्त? जो छक्का लगा वहाँ पे थोड़ा मुझे हार्ट हुआ, हाँ, निकला ऐसा कुछ भी नहीं मुंह से, बट पर्सनली हार्ट हुआ यार, थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन यार मसला बताऊँ क्या है, हारिस भाई बॉल ठीक थी, वो शॉट बहुत अच्छा था यार। देखिए अब सब जो क्रिकेट को जानते हैं, हाँ, वो जिस तरह का प्लेयर है वो मेरे ख्याल से वो भी एक ही दफा शॉट खेल सकता है ऐसी, हाँ, और वो उसने खेल दी है वो खेल। ये क्या बात हुई यार। देखिए मुझे पता है ना कि वो शॉट्स बहुत कम लग सकती हैं, सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते, अब उसकी टाइमिंग ऐसी हो चुकी है और वो छक्का हो चुका है, हाँ, वो बहुत अच्छा छक्का था। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी जल्दी निकाह करके हम सब लड़कियों का और माया अली का दिल क्यों तोड़ दिया? मुझे क्यों दे रहे? मैं नहीं हूँ माया अली। हारिस भाई इतनी जल्दी भी नहीं, लेकिन आपने ठही वक्त पे निकाह किया, मगर खवातीन का जाहिर बात है एक आपसे लगाव था, दिल ही लगाओ। देखिए मुझे एक किसी से तो करनी थी। अच्छा, अब मैं सबके साथ तो कर सकता नहीं हूँ, सबके दिल जोड़ दूंगा, सबके साथ तो नहीं कर सकता, सबके साथ नहीं कर सकते आप, तो एक के साथ करूंगा तो दिल तो टूटेंगे, ओए दिल टूट गया तो उसमें मेरा कसूर कोई नहीं है, कि मैं एक के साथ ही कर सकता हूँ, वो मैंने कर ली है, अब बाकी आप अपने दिल जोड़ें कहीं और जोड़ दें। अभी बहुत क्रिकेटर्स बाकी हैं, नसीम है, हसनैन है, और रोज कोई नया अच्छा बॉलर पाकिस्तान पैदा कर देता है, आप लोग बस दिल लगा के रखो। वैसे सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, और भी बहुत आपके इर्द गिर्द होंगे लोग, होस्ट हैं, होस्ट पड़े हैं। होस्ट आ गया। जब आपकी पिटाई होती है तो आप बाल की नोचने लग पड़ते हो, चेक करो तो यार मजबूत है कि नहीं, बेगम के खींचे की दर्द तो नहीं होगी? आपके पास कोई ऑप्शन है बाल ना नोचे क्या नोचे? तो जहन में होगा ना, बड़ा कुछ और नोचने के लिए, तो जहन में हो बंदे के यार बाल नहीं नोचे, कान नोचे, होठ नोच लें, कुछ होगा और भी बड़ा कुछ है नोचने के लिए। नहाने नोचने के अलावा कोई और काम भी करते हो? मैं पार्ट टाइम शायर भी हूँ। पार्ट टाइम शायर हो, कोई आता हो कोई कलाम अपना? छोटा सा है, सभी दिमाग में ये आ रहा है, शेर छोटा सा। हाँ शेर छोटा सा, मेरा तुमसे छोटा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब आप बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हो तो पीछे से किसी क्राउड लड़की बोले आई लव यू, तो मैच के बाद क्या कभी इस लड़की को ढूंढने की कोशिश की है आपने? मुझे क्यों देख रहे हैं आप? ऐसा होता होगा हारिस कभी ना कभी, बहुत ज्यादा होता होगा इनफैक्ट यार। होता तो है, बट हम जब रोप के अंदर होते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ मैच पे होता है। वाह, कि हमें ही नहीं पता कि ऑब्वियसली बात है क्राउड पीछे बैठा होता है और वो अजीब अजीब वर्ड्स भी कहते हैं, बट हम उससे डिस्टर्ब होते हैं, बट हमारा जितना अगर फोकस हम अंदर रखते हैं उनको अवॉइड कर ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, पर वो हमें ये कोशिश होती है कि हमें ये मैच के बाद मिले, वो मिलते नहीं है कि बैठ लगे फिर नहीं मिलते, वही तो कह रहा हूँ मैं भी। आपने कभी हारिस रऊफ को जाएंगे तो हम ट्राई करेंगे।
आपने कभी आर एस रोफ को क्राउड से आई लव यू कहे? ट्राई करेंगे, पीएसएल आ रहे हैं ना इंशाल्लाह कर जाएंगे अब। सही, और फिर बैठ ही रहे ना। मैंने ये ना वो ढूंढने आए आप चली जाए। नहीं नहीं वेले हैं, आएंगे। मैं वेले नहीं हूँ, मैं हम आ जाएंगे। आप नहीं, हम वेले, हम आ जाएंगे। गाइस हारिस की ट्रेन जा चुकी है बेटा, अब लेट होगी। अब मेन्यू में सिर्फ आसनैन और नसीम शामिल है। मेरा हारिस भाई से सवाल है कि आपकी ड्रीम विकेट कौन सी है, और आपने सिडनी में विराट कोहली को नेट्स में बॉलिंग की थी, और मैच में बॉलिंग में और नेट्स में बॉलिंग में क्या फर्क था? तो सारे इंसाइक्लोपीडिया पूछ लिया पूरा। सबसे पहला सवाल ये था, मैं समझ गया। हाँ देखिए, मेरे लिए विकेट हर इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी इंटरनेशनल विकेट लेते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स, ऐसी मेरी कोई ऐसी विकेट नहीं है कि यार जो मुझे जिस पे खुशी मिली मैं हर विकेट पे सेलिब्रेट करता हूँ। और बाकी जब मैं नेट बॉलर था इंडियन टीम का, उस टाइम मैं सीख रहा था और अभी भी सीख रहा हूँ, बट उस टाइम मैं नया नया था, तो मुझे बड़ा शौक था यार कि इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ट्रेनिंग करना। तो ऑब्वियसली बात है वो एक डिफरेंट लेवल के प्लेयर थे। जब उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, उनसे चीज़ें सीखी, उन्होंने मुझे कुछ बताई। जब मैं उनको बॉलिंग कर रहा था, वो उन्होंने जो उस टाइम मुझे कहा था कि तुम 6 महीने बाद तुम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो। वाह। तो मैं 8 के 9 महीने बाद मैं पाकिस्तान खेल चुका था। वेरी नाइस। हारिस भाई, बंदे की एक होती है ना कि फेवरेट विकेट, इस खिलाड़ी को मैं आउट करूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। मेरा कोहली है, तो उसी ने आपको छक्के लगाए थे। वो तो मैं काम करो, इधर आ जाओ, चाय वाय मंगवा लेता हूँ मैं। मुझे शादाब खान बहुत पसंद है, आप उसको ये पर काम पहुँचा देंगे? मैं रिश्ते वाली माई नहीं हूँ। अपना तो रिश्ता करवा लिया ना आपने? उससे माँ ने किया। अपना करा लिया, अपना अपना करा लिया आपने? वो मेरी माँ ने किया। आप एक काम करो बेटा, क्या नाम था तुम्हारा? अलिश्बा। अलिश्बा, कैमरा लगा हुआ है, तुम्हें देख रहे सामने, इसमें शादाब को बोल, प्यारे शादाब। ये आपके घरवाले भी देखेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद तो कह नहीं पा रही तुम। नहीं, आई लव यू शादाब। चलो थैंक यू बेटा, बस अब पूरा रिश्ता ना भेज देना शादाब, मुझे बहुत अच्छे लगते, तुम्हारी आंखों में डूबने का दिल करते हैं। क्रिकेट खेलने दो, उसको फोकस करने दो। बहुत बड़ा बयान दिया आपने हारिस, बहुत बड़ा बयान। कौन सा दे दिया भाई आपने? कहा पहले मैं खवातीन में बहुत इंटरेस्ट लेता था। नहीं, आपने कहा पहले मैं खवातीन तंग करती थी तो मजा आता था, अब नहीं आता। तो ये क्यों नहीं आता? अब क्या ऐसा हो गया जब से शाइन मिले इस चीज से आपका दिल उठ गया? क्या है, आप क्यों मजा नहीं आता? खवातीन छेड़े तो हर उम्र में ही मजा आता है। ये पता नहीं कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं जिसमें मजा आता है। हमारे अंकल थे, 3 शादियां की माशाल्लाह उन्होंने, एक के बाद एक, मतलब कोई मर जाती थी तो फिर दूसरी करते थे। उनको सिर्फ ये शौक था कि यार, मैं उनसे पूछता भी था यार इतनी उम्र हो गई 80-82, अब क्या शादी का फायदा? कहने लगा यार बात सुनो, जब बारात आ रही होती है ना तो लड़की वाले जब आवाज लगाते हैं भाई लड़का आ गया है, तो बस वो सुनने के लिए बार बार शादियां कर रहा हूँ। तो इसलिए लड़कियां तंग करती हैं, हमें तो मजा आता है, छेड़ती हैं जब। एक छेड़ तब मजा आता है ना। हाँ, अब 10-20 कठी छेड़ दे तो फिर मजा थोड़ी। हाँ, फायदा ही नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक को कुछ कहा तो दूसरी मुझे भी कहें। सही बात, फिर तंग हो जाता इंसान। ठीक है, अब मजा आपको नहीं आ रहा इस काम? शादी भी हो गई, अब मजा आना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, मैं नजर रखूंगा आप। आप ना भी रखें, कोई और नजर रखें। आके भाई ने कहा कि जितनी मैंने हारिस की देखी है उतनी मैंने किसी की नहीं देखी। डाइट मैं बोलने वाला था, डाइट नहीं, मैंने खुद मेंशन कर दिया। जो डाइट बहुत ज्यादा है या बहुत नपी तुली है, क्या है ये? देखिए बेसिकली जब मैं क्रिकेट में आया था तो मेरा वेट था 72-73 के राउंड अबाउट, पतला था। तो आके भाई ने मुझे जो एक प्लान दिया कि टारगेट दिया कि यार आपके ना जो आपके हाइट के मुताबिक एक ऐसे एथलीट बनने के लिए आपको 82 और 83 वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस पर फिर मैं 82 मैंने 83 वेट किया फिर, और लास्ट 4-5 साल में मेरा वेट 82-83 है, और ना मेरा फैट बढ़ता है और ना मेरा वेट ऊपर नीचे होता है। ऑब्जेक्ट आ चुका है, पहला सवाल। हाँ जी, क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है तो बता दूंगा तो खत्म हो जाएगी गेम। ये एक चीज है लगाने की है। हाँ, छोटी बड़ी होती रहती है जरूरत के हिसाब से। जितना लगा उतनी छोटी होती रहती है। टूथपेस्ट कैसे छोटा होता है, आप मुझे बताओ ना। उसको निकालते जाओ खत्म होती जाएगी। वो तो खत्म होती ना, ये छोटी होती है लगाने की चीज। वो दबा के निकालते हैं, इसको दबा के नहीं निकालते, इसको बस घुमा के। लगाने की चीज अक्सर ऐसा होता है, इसको लगाता कोई और है, लग कहीं और जाती है। आप अब बता दे, आपकी और निकल जाएगी है? आप खुद ही बता दे। अक्सर ऐसा हो कि अगर आपके लगी रह जाए, आपके कहीं लगी रह जाए, हाँ जी, तो आप फंस भी सकते हो।
पहले तो नहीं फंस सकते थे, अब फंस सकते हो। क्रीम? नहीं, क्रीम से कैसे फंसोगे आप? कौन इस्तेमाल करते हैं? हैं? लड़कियां? लग ही नहीं रहा कि आकिब भाई का शागिर्द आया हुआ है आज सामने। आकिब भाई यूं पहचान लेते सूंघ के। ये सामने थोड़ी पड़ी हुई है। ये इस्तेमाल तो लड़कियां करती हैं, मगर अब लड़कों में भी रुझान है। विग? विग नहीं, विग नहीं, विग नहीं है। अब आप उस समझ लो उस दुकान पे पहुंच गए हो जहां ये मिल रही है। विग के, विग कहते ही। अब आप गैस नहीं करो, सवाल पूछो। मैंने हिंट्स क्या क्या दी? अक्सर जो लगाता है उसके तो लगी होती है, मगर वो भी कहीं ना कहीं जब लगा के छोड़ जाता है। बड़ी छोटी होती रहती है। ज्यादातर खवातीन में इस्तेमाल है, मगर मर्दों में रुझान पैदा हो रहा है। लिपस्टिक? यस, वेरी नाइस। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई फैन ऐसी हरकत कर गया जो दिमाग घूम गया या दिमाग में रह गई कि ये क्या कर गई आप, या ये क्या कर गई आप। तो कोई ऐसा फैन मोमेंट आपकी लाइफ में आज तक आया? देखिए, जिस तरह भी वो लड़की ने कहा कि आई लव यू, शादाब को कहने को कहा था वो, तो शादाब को कहा था, तो वो इसी तरह अब खेल रहा था तो मैच के दौरान पिछली लड़कियां लव यू आई लव यू, तो वैसे ही मैच रुका तो मैं ऑटोग्राफ दे रहा था। वाह, अब ऑटोग्राफ दे रहा तो आई लव यू कह रहे, मैंने कहा यार ऐसे तो कमेंट पास ऐसे नहीं कहो, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, बाद में कहो, मौका देखो। उसके अलावा अक्सर ऐसा ही होता है कि फैंस मिलते हैं, कभी कभी अजीब अजीब बातें भी करते हैं, जिसमें गुस्सा चढ़ जाता है। अब एक फैन आया, जिस तरह मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ओपन हमारा ग्राउंड है, उधर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ से आया और उसने साइड बाइक लगाई, कहते यार सेल्फी लेनी थी। मैं कहा भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद ले दूंगा। वो आगे से कहते यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से सेल्फी लो मेरे साथ। मैंने कहा यार चंगा फैन है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक शूटिंग चल रही थी रोड पे, एक गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, भरी हुई गाड़ी लड़कों से, छोटी गाड़ी, इसमें 8 लड़के, उसमें से एक लड़का निकला, इधर आओ, वो हमारा भाई तुमसे तस्वीर खींचना चाहता है।